हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 इंडियन प्लेन हाईजैक के केसेस और इनके पीछे की पूरी कहानी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूँ आपका होस्ट शुभम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड। हाईजैक ऑफ 1971 जनवरी 30। सन 1971 को इंडियन एयरलाइन का प्लेन, जो कि श्रीनगर से जम्मू की ओर उड़ान भर रहा था, इस प्लेन को हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी द्वारा हाईजैक किया गया। इस प्लेन को जम्मू के बजाय लाहौर ले जाया गया, जहां 1 फरवरी को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस प्लेन के सारे स्टाफ और यात्रियों को सड़क द्वारा गाड़ी से अमृतसर भिजवा दिया। भारतीय गवर्नमेंट ने प्लेन को वापस भिजवाने की मांग की, लेकिन इस प्लेन को पेट्रोल डालकर जला दिया गया, जिससे भारतीय सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। हाईजैक ऑफ 1978। यह हाईजैक दो दोस्तों द्वारा किया गया था, जिनका नाम था भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे। उन्होंने प्लेन को छोड़ने के बदले भारतीय सरकार से यह मांग की थी कि वह इंदिरा गांधी को छोड़ दे, जिन्हें इंडियन पार्लियामेंट ने अरेस्ट किया हुआ था, और उनका यह मकसद भी था कि वह संजय गांधी पर लगे हुए सारे आरोपों को माफ़ कर दें। दोस्तों, आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि जिन हथियारों से उन्होंने प्लेन को हाईजैक किया, वह सभी के सभी नकली थे। उन्होंने प्लेन में सवार 132 पैसेंजरों को अपने पास कुछ घंटे रखा और बाद में उन्होंने मीडिया के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया। हाईजैक ऑफ बोइंग 737 22 अगस्त सन 1982। सन 1982 में बॉम्बे से दिल्ली आने वाली फ़्लाइट को एक मिलिटेंट ने हाईजैक कर लिया था, जिसके पास एक पिस्तौल और एक हैंड ग्रेनेड था। इस जहाज़ में 69 यात्री थे। इस घटना के कुछ घंटों बाद इस आतंकवादी को इंडियन फोर्स द्वारा मार गिराया गया और यात्रियों को बचा लिया गया। हाईजैक ऑफ 1993 अप्रैल 24। इंडियन एयरलाइन का जहाज़, जो कि श्रीनगर से दिल्ली की तरफ उड़ान भर रहा था, इस जहाज़ को हाईजैकर द्वारा पाकिस्तान ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, तो इस जहाज़ को हार कर अमृतसर में ही लैंड करवाया गया, जहाँ बहुत ही तकनीक से इंडियन सोल्जर द्वारा हाईजैकर को मार गिराया गया और प्लेन के सभी यात्रियों को बचा लिया गया। हाईजैक ऑफ फ्लाइट 814। सन 1999 में इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट 814, जो कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भर रही थी, इसे 24 दिसंबर को हाईजैक कर काठमांडू से दुबई ले जाया गया, फिर लाहौर से होते हुए अफगानिस्तान के कंधार में लैंड कराया गया। हाईजैकर ने भारतीय सरकार से यात्रियों को छोड़ने के बदले 3 कश्मीरी मिलिटेंट्स की रिहाई की मांग की, जिसमें वह सफल रहे। लेकिन दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि उस फ्लाइट में 176 यात्रियों में से एक यात्री को मार दिया गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि अपने मतलब के लिए किसी और को इस्तेमाल करना अच्छी बात है या बुरी बात है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं ऐसे ऐसी वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।